हाय गाइस, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड चेन के बारे में। सो चलो देखते हैं फूड चेन होता क्या है। फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फूड एनर्जी का सोर्स है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। टू ऑब्टेन दिस एनर्जी दे डिपेंड्स ऑन वन अनदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए किसी दूसरे प्लांट पे और किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट ईट वन एंड बीइंग ईटन बाय द अदर इज कॉल्ड द फूड चेन। एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म द्वारा खाया जाता है या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, तो ये एक सीरीज जो बनता है उसी को हम फूड चेन कहते हैं। सो रिजल्टिंग इन एनर्जी इन फ्लो एनर्जी फ्रॉम एन वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। सो एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा और वो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म द्वारा खाया जाएगा, तो एनर्जी का फ्लो बनता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। सो एग्जांपल देखते हैं हम कि ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर खाएगा जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे, और ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा जिसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे, फ्रॉग को स्नेक खाएगा जिसको टर्शियरी कंज्यूमर कहेंगे, और स्नेक को ईगल खाएगा जिसको हम क्वार्टरनरी कंज्यूमर कहेंगे। सो ग्रास होपर फीड ग्रास, दिस ग्रास होपर ईटन बाय द फ्रॉग, फ्रॉग ईटन बाय द स्नेक, स्नेक इज ईटन बाय द ईगल। सो देर इज ग्रास इज द प्रोड्यूसर एंड अदर ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर। मैनी सच फूड चेन एग्जिस्टिंग इन इकोसिस्टम। बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं जो इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक कैरोट है। कैरोट एक प्रोड्यूसर हो गया। कैरोट को रैबिट खा लेगा, रैबिट को फॉक्स खाएगी और फॉक्स को लॉयन खा लेगा। तो इस तरह से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद में प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है प्रोड्यूसर को, एंड प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, एंड फाइनली लास्ट में आता है अपेक्स कंज्यूमर जिसको कोई कंज्यूम नहीं करता है, जिसका डेथ होने के बाद में इसका क्या होता है कि डीकम्पोजर्स होते हैं वो इसको डीकम्पोज करते हैं और फाइनली ये सॉइल में जाकर मिल जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं हर्बीवोरस। तो ये टाइप्स होते हैं एनिमल्स के, लाइक जो जो सिर्फ प्लांट्स को अपना फूड सोर्स बनाते हैं उनको हम क्या बोल देंगे, हर्बीवोरस। नेक्स्ट है कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड ऑफ एनिमल सोर्स ओनली। जो जिनका फूड सोर्स सिर्फ एनिमल होता है वो कार्निवोरस होते हैं। और ओमनिवोरस में क्या आ जाएगा कि ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। कि यहाँ पे इनका जो फूड सोर्स होता है वो एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं, ये दोनों से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। सो यही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हर्बीवोरस फूड सोर्स इज प्लांट, कार्निवोरस फूड सोर्स इज एनिमल, ओमनिवोरस फूड सोर्स इज प्लांट एंड एनिमल सोर्स बोथ। टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन कितने टाइप की होती हैं? देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन दो टाइप की होती है मेनली, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। चलो देखते हैं ये क्या होती हैं। ग्रेजिंग फूड चेन, इन एन इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लांट्स और प्रोड्यूसर एंड गोज टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म टू लार्जर ऑर्गेनिज्म। जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो प्लांट से शुरू होती है और स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लार्ज ऑर्गेनिज्म की तरफ जाती है। लाइक हमने एग्जांपल देखा था पीछे, प्रोड्यूसर क्या था, कैरोट था प्रोड्यूसर, और उसके बाद में उसको खा कौन रहा था, रैबिट खा रहा था। रैबिट को क्या खा रहा था, फ्रॉग खा रहा था, और फ्रॉग को क्या खा रहा था, स्नेक खा रहा था। तो इसमें ऑर्गेनिजम्स का साइज़ भी बढ़ रहा है, और ये कहाँ से शुरू हो रही है, प्रोड्यूसर यानी प्लांट से शुरू हो रही है। ग्रेजिंग फूड चेन मे बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो एक्वेटिक भी हो सकती है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है। सेकेंड है डेट्रिटस फूड चेन। This chain of ecosystem starts from dead body or dead organic matter
और डिकम्पोजर एंड गोज़ टू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड देन प्रोड्यूसर्स। ये जो फूड चेन है ये डेड ऑर्गेनिज़म से स्टार्ट होती है। लाइक कोई भी ऑर्गेनिज़म है उसका डेथ हो गया है तो वो डिकम्पोज होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करेंगे वहाँ पे, और देन वो सॉइल में जाके मिल जाएगा और प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसिंग में हेल्प करेगा। सो देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि डेट्रिटस फूड चेन में क्या होगा। लाइक एक डेड ऑर्गेनिज्म है डेड ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोज करेंगे। डीकम्पोज करने में हेल्प कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। डीकम्पोज करने में हेल्प बैक्टीरिया करेगा, ठीक है। देन ये जाके सॉइल में मिल जाएंगे और सॉइल में प्रोड्यूसर्स की हेल्प करेंगे प्रोड्यूस करने में। श्योरली प्लांट्स कहाँ सॉइल से कनेक्टेड रहते हैं, तो सॉइल्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो तो वो हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर को ग्रोथ करने में। सो दैट इज़ ऑल। सो नेक्स्ट देखते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या होगा? इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स आर कॉल्ड ए फूड वेब। जब बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्ट करती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? फूड वेब कहेंगे। फूड वेब का एक एग्जांपल लाइक देख लेते हैं हम, इसको देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे ये एक फूड चेन चल रहा है। सन से लाइट आई, ग्रास का ग्रोथ हुआ, देन ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है। ग्रास को कौन खा रहा है? वॉर्म्स खा रहे हैं। वॉर्म्स को कौन खा रहा है? फ्रॉग्स खा रहा है। वॉर्म्स को फ्रॉग्स तो खा ही रहे हैं और हेन भी खा रही है, जबकि हेन का एक और भी फूड सोर्स है जो कि ग्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दो चेन्स एक साथ में इंटरकनेक्ट हो रही हैं। देन हेन को यहाँ पे ईगल खा जाएगा और फ्रॉग को भी यहाँ पे ईगल खा जाएगा। ईगल यहाँ पे क्या हो गया? अपेक्स कंज्यूमर हो गया। इसको हम प्रीडेटर भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्रीडेट करता है, ये शिकार करता है लाइक कह सकते हैं। तो ईगल का डेथ होगा, ईगल का डेथ होने के बाद में ये डिकम्पोज होगा और जाके सोइल में मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।